तो वहीं प्रदेश में बढ़ते अपराध, नशाखोरी और महिलाओं के प्रति अपराध को देखते हुए डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रदेश के सभी सीओ और इंस्पेक्टर को निर्देश दिए थे। सीओ विकास नगर भास्कर लाल शाह के नेतृत्व में विकास नगर कोतवाल राजेश शाह ने भावी पुलिस बल के साथ पुंजा ग्रांड गांव में 2 घंटे तक पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने उन इलाकों का भी दौरा किया जहां बड़े पैमाने पर अवैध नशे का कारोबार चल रहा था। गांव में भारी संख्या में पुलिस को देखकर अपराधियों और नशा तस्करों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने नशा तस्करों और अपराधियों के घर जाकर उन्हें सख्त हिदायत दी। आपको बता दें कि कुंजा ग्रांड क्षेत्र अवैध नशा तस्करी का हब बन चुका है। इस गांव में स्मैक तस्करी और अन्य नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिसके चलते हिमाचल समेत उत्तराखंड राज्य के युवाओं को नशा परोसा जाता है। इस दौरान उन्होंने धार्मिक स्थलों का भी निरीक्षण किया। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। डीजीपी महोदय के निर्देश हुए थे कि फुट पेट्रोलिंग कर लोगों में सुरक्षा का माहौल पैदा किया जाए तथा जो अपराधियों में एक भय का माहौल उत्पन्न किया जाए। इसी क्रम में हमारे द्वारा आज ग्राम कुंजा और कुंजा ग्रांड में फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। कुछ यहाँ नशा बेचने की शिकायत भी थी, इसी क्रम में हमारे द्वारा ये आज किया जा रहा है और हमारे द्वारा ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसा अपराधी तत्व यहाँ रहना पाए।